मैं सीधा सी बात कहूंगा, ये कुत्तों को कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता है। रोज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। तो आप सभी को राउंडकुल की बिग इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप सभी को सौरव जोशी के बारे में बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है उनके साथ, आप इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। ये इंडिया के नंबर वन व्लॉगर है जिनके सबसे ज्यादा व्लॉगिंग चैनल पे सब्सक्राइबर है, लेकिन ऐसे में कुछ इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से पब्लिक भी बहुत ज्यादा भड़क गई है। मैं आप सबको बता दूं, उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले, उन्होंने एक मीटिंग की थी पुलिस जाकर कुछ इशू को लेकर, लेकिन ऐसे में वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया अपने व्लॉग के अंदर जहां पर बहुत सारी पब्लिक उनके भड़क गई। आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए, इन्होंने क्या बोला है उत्तराखंड के लिए। आप सबसे पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए, बाद में आपसे बताने वाला पब्लिक किस तरह भड़के इन पर। आप सबसे पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारे इंडिया रह रहा है। तो ये काफ़ी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और उत्तराखंड के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए अब और भी मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेंगी आपको आगे। तो गाइस आपने छोटा मोटा वीडियो देख ही लिया, अगर आप उत्तराखंड के तो शायद आपको भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि कई सारे उत्तराखंड के लोगों को गुस्सा आ रहा है। और ऐसे में आप सभी पब्लिक का रिएक्शन बता था, पब्लिक क्या बोल रही है। आप सबसे पहले ये भी छोटा सा वीडियो देख लीजिए, उत्तराखंड का कोई जिक्र नहीं था हमारे विश्व युद्ध के दौरान, हो या चाहे हमारे जो भी पाकिस्तान के साथ चीन के साथ युद्ध हुआ, हमारे इतने वीर सैनिक वहाँ लगे, और उनके कारण, उनकी वीरता के कारण जो है हमें जाना जाता है, मतलब इस उत्तराखंड को जाना जाता है। तो उनका ये बयान तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कुछ ज़्यादा ही मिल गया। मैं सीधे सी बात कहूँगा कि कुत्तों को कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता है, ये वही वाली कहानी है कि आदमी जो है अपने पिताजी और अपने दादाजी और उनकी बदनामी करा रहा है। ये कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी को और अपने दादाजी को जो है, मैं जो मेरे कारण जो है मेरे पिताजी और दादाजी। तो कैसे आपने ये भी वीडियो देख लिया, आपको बता दूं सिर्फ एक वीडियो था, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इसको जिस तरह से दौलत मिली है, जिस तरह शोहरत मिली, इसको पची नहीं है। मतलब एक आदमी की वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, कई सारे लोगों ने कुर्बानी दी, कई सारों ने जंगों के अंदर अपनी जाने दी, और ये बोलता है कि मेरे वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है। मतलब कई सारी पब्लिक ऐसा बोल रही है। तो कैसे आप सभी की कॉन्ट्रोवर्सी के बीच क्या कहना, आपको क्या लगता है कि सौरव जोशी ने नॉर्मली बोल दिया था या फिर उन्होंने जबरदस्ती बोला था, एटीट्यूड बताया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और ये बताइए कि उत्तराखंड सौरव जोशी को जाना जाता है या वैसे भी जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी को, दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन तो राउंड 12 की, जैसे कि आप बेसब्री से वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे राउंड 12 की न्यू वीडियो का, नाम जोंबी पार्ट 2। तो फाइनली उसकी डेट सामने आ चुकी है, उसका टीजर कब आने वाला है। और आप सभी को बता दूं, कल शायद आपने राउंड 12 का वाला व्लॉग देखा, उसके अंदर बता दिया कि उनका टीजर कब आने वाला है, बहुत सारी बातें भी बोली थी। तो आपको सबसे पहले बता दूं, उसका टीजर जो आने वाले उन्होंने बताया है इनके अंदर 15 दिसंबर को, यानी कि कल, मतलब आपसे बता दूं कल हमें टीजर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपसे बता दूं, जैसे ये व्लॉग यूट्यूब पर आया इसने भी रिकॉर्ड बना लिया, मतलब यूट्यूब पे व्लॉग आते से ट्रेंडिंग में चल रहा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जब ये नंबर 3 पे चल रहा ट्रेंडिंग में, आप सभी को दिख ही रहूंगा। मतलब आपने अपने कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि सिर्फ इतना सा व्लॉग आया तो इतना मतलब धमाका हुआ। सोचिए कल टीजर आएगा तो कितना धमाका होगा, और जब फुल वीडियो आएंगी तो कितना धमाका होगा, क्योंकि राउंड 12 की न्यू वीडियो के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कितना वेट कर रहे हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।